कर्तव्य की वजह से निलंबित कर दिया गया। ये सांसद अब सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे और विपक्ष ने इस फैसले की निंदा करते हुए इस निलंबन को अलोकतांत्रिक कहा है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा दिए गए वीडियो फुटेज के आधार पर राज्यसभा सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इस निलंबन पर विपक्ष ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि ये निलंबन राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है। इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की एक अहम बैठक बुलाई है। विपक्षी पार्टी द्वारा आज इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की जाएगी। 10 बजे बैठक बुलाई गई है और बैठक में टीएमसी को भी बुलाया गया है और राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने दफ्तर में बुलाई है और सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल चाहते हैं कि सरकार से बातचीत कर निलंबन को वापस करवाया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। अवैध उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गया। अवैध अपडेट दीजिए, कहां पर यह बैठक बुलाई गई है, कौन कौन से मुद्दे इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों द्वारा इस आज बैठक में चर्चा की जानी है। बिल्कुल, साफ तौर पे कल जिस तरह से कृषि कानून राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ उसके बाद जिस तरह से राज्यसभा के 12 सांसदों का लगभग चार पार्टियां कांग्रेस टीएमसी सीपीआई और सीपीएम इन चारों पार्टियों के लगभग 12 सांसदों राज्यसभा के सांसदों को जिस तरह से निलंबन किया गया है उसको लेकर आज एक अहम बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। 14 विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है और इसमें आने वाली रणनीति के ऊपर चर्चा की जाएगी। किस तरह से जिस तरह राज्यसभा के सांसदों को निलंबन किया गया है उसको लेकर क्या रणनीति होगी, विपक्ष क्या रणनीति अपनाएगा, क्या सारा विपक्ष जो है, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है इस बार पूरे सत्र को जो है बायकॉट कर सकता है, यानी सत्र में अपनी मौजूदगी जो है वो नहीं दिखाना चाहता है। इस तरह के भी सुझाव जो है वो आए, इसके ऊपर भी लेकर बैठक होगी। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि टीएमसी ने इस कांग्रेस की इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है और टीएमसी की तरफ से एक अलग बैठक जो है विपक्षी दलों की बुलाई गई है। हालांकि 10 बजे जो है वो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा के नेता हैं उनके ऑफिस में ये बैठक बुलाई गई जिसमें सभी राज्यसभा के नेता लोकसभा के नेता जो हैं वो शामिल होंगे विपक्षी पार्टियों के और इसमें आने वाले रणनीति जो है वो तय की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के कई नेता ये चाहते हैं और कई राजनीतिक पार्टियाँ चाहती हैं कि सरकार के साथ बातचीत की जाए और उनसे सभी 12 राज्यसभा के जो सांसद जिनका निलंबन किया गया है उनके निलंबन को वापस लेने के लिए सरकार से आपसी सहमति जो बनाई जाए। लेकिन कल जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया इसमें सपा बसपा शिवसेना समेत तमाम राजनीतिक दल शामिल थे लगभग 14, उनमें कहा गया है कि ये जिस तरह से निलंबन किया गया है वो अलोकतांत्रिक था और राज्यसभा की कार्रवाई को रोकने के लिए इस तरह का काम जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। प्रियंका चतुर्वेदी जिनको निलंबन किया गया शिवसेना की राज्यसभा सांसद है उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि किसी भी तरह का कोई भी वीडियो जो है उसमें वो दिखी नहीं है, ना ही उनको निलंबन से पहले किसी भी तरह की जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। बिना जांच प्रक्रिया में शामिल हुए, बिना उनसे पूछताछ किए, बिना उनका पक्ष जाने उनका निलंबन कर दिया गया है, ये भी बहुत ही गलत है। साफ तौर पर शिवसेना जो है वो काफ़ी मुखर है अपने सांसदों को जिस तरह से निलंबन किया गया और कांग्रेस साफ तौर पे कांग्रेस की तरफ से सभी विपक्षी दलों को लेकर एक साझा बयान जारी किया गया था और आज कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों की एक बैठक करने जा रहा है 10 बजे के आसपास। अब देखना ही होगा कि क्या विपक्षी दल जो है वो इस पूरे सत्र से नदारद रहते हैं या विपक्षी दलों में आपसी सहमति बनती है कि सरकार से बातचीत की जाए इस मुद्दे पर और जो सांसद निलंबन किए गए हैं, क्योंकि 2021 को जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था उस दौरान जो है मानसून सत्र चल रहा था उस दौरान राज्यसभा में एक बिल पेश किया जा रहा था, उस समय काफ़ी हाथापाई तक की नौबत आ गई थी और मार्शल्स को बुलाया गया था सदन के अंदर और कई नेताओं को वापस सदन के बाहर किया गया था। उस दौरान भी ये आरोप लगाया गया था महिला सांसदों की तरफ से कि उनके साथ बदसलूकी जो है वो मार्शल्स ने की है, महिला मार्शल्स को नहीं बुलाया गया, पुरुष मार्शल्स को बुलाया गया और उनके साथ धक्का मुक्की की। तो उस दौरान भी विपक्षी दलों ने संसद सत्र खत्म होने के बाद भी, क्योंकि संसद सत्र समय से पहले ही समाप्त हो गया था, इसके बावजूद भी संसद से विजय चौक जहां मीडिया के कर्मी बैठते हैं वहां तक एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो निकाली थी और उसमें विपक्ष के राज्यसभा के सभी बड़े नेता और सभी पार्टियों के नेता जो है वो शामिल हुए थे और सरकार से मांग की गई थी कि उनके साथ जो बदसलूकी महिला सांसदों के साथ की गई उसको लेकर सरकार माफ़ी मांगे। लेकिन इसके अपोजिट जो है सरकार के लगभग 6 से 7 मंत्रियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और विपक्ष के ऊपर ही आरोप लगाया गया था और कहा गया था विपक्ष के नेताओं ने संसद के गरिमा का उल्लंघन किया है, संसद की गरिमा को तार-तार किया है, जो संवैधानिक नियम कानून है संसद के उनको तार-तार किया है और संसद को संसद में
संसद के जो राज्यसभा के विपक्षी नेता हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो साफ तौर पे दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुआ था, लेकिन कल जिस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले दिन की समाप्ति से पहले ही जिस तरह से राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबन किया गया 11 अक्टूबर की घटना को लेकर, उसके बाद से विपक्ष जो है लगातार मुखर है और आरोप जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहा है। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से आज विपक्षी दलों की तरफ से बैठक बुलाई गई है उसमें क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाता है। हालांकि कई नेताओं का ये कहना है कि पूरे सत्र से ही विपक्ष जो है अपने आप को नदारद कर सकता है, इस तरह का भी सुझाव आया है। सरकार से बातचीत का भी सुझाव आया है, क्योंकि सरकार ये भी विपक्षी दल चाहते हैं कि MSP की मांग को लेकर जो है क्या उनको अपना मुद्दा या अपनी बात रखने का समय जो है वो संसद के इस सत्र में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है कि इस पूरे शीतकालीन सत्र से विपक्ष जो है वो अपने आप को अलग करता है या नहीं करता है, क्योंकि विपक्षी दलों का ये मानना है कि अगर संसद के सत्र के दौरान MSP की गारंटी को लेके, किसानों को मुआवजे को लेके और लखीमपुर की घटना जो हुई थी उसको लेकर अगर बात करने का मौका नहीं मिलता है तो इस सत्र में विपक्षी दलों की मौजूदगी का कोई अहम मुद्दा मतलब जो है वो नहीं रहता। ऐसे में विपक्षी दल ये चाहते हैं कि अगर इन तीनों मुद्दों के ऊपर विपक्ष के नेताओं को बोलने की या अपनी बात रखने का समय नहीं मिलता है तो वो पूरे सत्र से वॉकआउट भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है उसमें क्या सभी विपक्षी दल इन तमाम मुद्दों के ऊपर आपस में सहमति बनाते हैं, क्या सरकार से बातचीत की तरफ रास्ते की तरफ जाते हैं या फिर संसद से वॉकआउट की तरफ जाते हैं, देखना ही होगा। बिल्कुल, वैसे पहले दिन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हंगामेदार शुरुआत हुई थी और कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही साथ इसके चलते कार्यवाही भी स्थगित की गई थी, कार्यवाही भी इससे प्रभावित हुई। क्या लगता है कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो सरकार आज पेश कर सकती है, क्या कुछ फोकस रहेगा सरकार का आज? देखिए बिल्कुल, कल जिस तरह से संसद की कार्यवाही शुरू हुई और सुबह से ये कहा जा रहा था किसान वापसी बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो कृषि मंत्री हैं, और पेश भी किया गया। विपक्ष की लगातार ये मांग थी कि वो इस बिल वापसी के ऊपर आखिरकार सरकार क्यों वापस कर रही है, इसके ऊपर चर्चा चाहती है। इसी को लेकर लगातार संसद जब से शुरू हुआ हंगामा और लोकसभा लगभग 5 से 6 बार स्थगन की गई और फिर अंत में आज के लिए स्थगन कर दी गई थी 11 बजे के लिए। इसी तरह से राज्यसभा में महज 32 सेकंड में लोकसभा कृषि की वापसी का जो बिल था वो पास हो गया, 32 सेकंड से भी कम समय लगा था और ये बिल पास हो गया। विपक्ष लगातार ही मांग करता, अब आज भी विपक्षी मांग यही रहेगी कि सरकार ने वापस क्यों लिया, उसके ऊपर कोई मंत्री जो है सरकार का वो अपना बयान रखे। हाँ। जीरो और नोटिस भी इसको लेकर कई चलिए आप नजर में रखिए, सबसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से एक बड़ी खबर है जहां पर लोकसभा में ARTI विधेयक 2020 पेश हो सकता है और लोकसभा में आज पेश किया जा सकता है।